आज आप सभी को मैं दिखाना चाहता हूँ जिसे मैंने परचेज किया हूँ फ्लिपकार्ट से। तो आज क्या है सो दिखाने वाला हूँ। तो ये मैंने परचेज किया हूँ बोया का M1 Mac है। तो हम लोग को वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, बहुत सारी नॉइज़ जो है आसपास के आ जाते थे जिसके कारण वीडियो की जो आवाज़ क्वालिटी रहती थी वो अच्छा नहीं आ पाता था। तो आज मैं आप सभी को ये चीज़ दिखाने के बाद इसका प्रयोग भी कर कर दिखाऊंगा कि इसका आवाज़ कैसा है, लाइव ये वीडियो चलेगा इसके बारे में। तो चलिए ओपन करते हैं। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया, इसका जो है प्राइस पड़ा है हमें 1245 रुपया डिलीवरी चार्ज लेके, ऑफर में था इसलिए, बट इसका जो है प्राइस अधिक है 1400 या 1500 के लगभग में। तो चलिए मैं देर ना करते हुए शुरू करता हूँ। तो ये बॉक्स है, इसमें सारा डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा हुआ है, ये सभी देख सकते हैं। बोया का, बोया कंपनी है और इसका जो मॉडल है बाइम M1 है। तो आप सभी देख सकते हैं इसको, और इधर डिस्क्रिप्शन है। और ये रहा मैन चीज, और इसमें जो है कुछ मैनुअल कार्ड दिया हुआ है कैसे कैसे इसका प्रयोग करना है इसके बारे में। तो आप देख सकते हैं ये मैनुअल कार्ड है, तो इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसे यूज़ कर लूँगा, अभी फ़िलहाल इसे मैं इधर रख देता हूँ। तो ये मैन चीज रहा इसमें, आप ध्यान से देखिए, इसमें एक जो है बैग दिया बहुत ही अच्छा, ताकि जो है हमारा माइक जो है सुरक्षित रहे, इसलिए ये बैग मिला है इसके साथ। और ये रहा बोया का माइक, और इसमें केमिकल कुछ है जिससे सुरक्षित हम लोग का जो है हाथ रह सके, और इसे मैं रख देता हूँ अभी। अब ये जो है बोया का माइक रहा, देख सकते हैं। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा लंबी तार दिया गया है, इसे हमें लगता है 2 मंजिल से भी अगर हम लोग इसे ले जाएं और रिकॉर्डिंग करें वीडियो को तो बहुत अच्छी तरह से ये कैपेसिटी यानी कैप्चर कर लेगा। तो मैं इसे भी खोल देता हूँ, देखता हूँ कितना दूर तक ये जाता है लगभग। और इसमें ये वायर जो है कसी हुई, इसे भी मैं हटा लेता हूँ, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में है वायर, देख सकते हैं कितना लंबा है। और इसमें कुछ दिए हुए हैं तो इसे भी मैं निकाल लेता हूँ। एक यहाँ पे बैटरी मिला है मुझे, और इसे जैसे साउंड डीजे साउंड के लिए आप अगर कनेक्ट करना चाहते इसके लिए भी एक पोर्ट, तो इसे मैं खोल के दिखाता हूँ। यहाँ से मैं इसे खोल लिया, और यहाँ जो है नॉइज़ को स्मूथ बनाने के लिए यानी आवाज़ को स्मूथ बनाने के लिए यहाँ पे एक फॉर्म मिला है, ये देख सकते हैं। तो इस फॉर्म को मैं लगा दूँगा इसमें, यहाँ पे अच्छी तरह से लगा लेंगे आराम से। तो ये भी लगने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, फर्स्ट टाइम है, मैं ऐसा माइक पहली बार देखा है इसलिए। तो ये आराम से ऐसे ऐसे थोड़ा सा घुमा के लगा दिया, ये आराम से लग चुका है, देख सकते हैं। अब जो है इसमें एक क्लिप मिलता है जिसे आप अपने कॉलर में लगा सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस क्लिप को भी मैं लगा के दिखाता हूँ आप लोग को। यहाँ से मैं इसे खोल लेता हूँ और इसे मैं निकाल लेता हूँ। तो इसे मैं ऐसे लगा लेता हूँ आराम से, ये देखिए पट से आवाज़ आई, अब ये पूरी तरह से लग गया। अब इसे आप इसे जैसे कलर में लगा सकते हैं, अब आवाज़ जो है आपकी फ्रेश आए, फिलहाल तो मेरा आवाज़ आप लोग फ्रेश सुनने वाले हैं। और ये रहा बैटरी, इस बैटरी को मैं लगाने वाला हूँ कहाँ, तो आप सोचते होंगे ये सब आप कहाँ से सीखें, तो मैं ये सब यूट्यूब से सीखा। तो इसको लगाने का जो तरीका है वो अलग है, इसे मैं खोल लेता, तो इसे मैं धीरे धीरे से ओपन कर लेता हूँ, इसे घुमा कर इसे क्या करना है खोल लेना है, देख सकते हैं जिस तरह से मैं। उसके बाद जो है ये प्लस और माइनस जो तो ये माइनस चिन्ह और प्लस इसमें इंडिकेट किया हुआ रहता है, तो इसे मैं आराम से लगा लेता हूँ। तो ये अब आराम से लग चुका है, अभी हमारा जो है, अब इसमें एक चीज मुझे देखना है क्या,
इसमें ये बटन देख रहे हैं आप, ये बटन का प्रयोग जो है क्या है, अगर आप कैमरा में यूज करना चाहते हैं तो इसे अप कर देंगे यानी ऊपर, अगर मोबाइल फोन पे यूज करना चाहते हैं तो ये नीचे कर देंगे। देख, तो अब इसे मैं एक बार लगा के आप सभी को दिखाता हूँ। थोड़ा सा बारिश हो रहा है, बारिश का मौसम है जिसके कारण, तो मैं इसे लगा लेता हूँ जिस मोबाइल से मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड। अब यहाँ से मैं इसे लगा, अब आप सभी सुन सकते हैं मेरा आवाज़ को कैसा आ रहा है। तो ये जो है बोया माइक है M1, और इसका आवाज़ आप सुन रहे हैं अच्छी तरह से। कैसा आवाज़ आ रहा है आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये माइक कैसा है ये बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यही उम्मीद से हम लोग वीडियो बनाते हैं मेहनत करके, तो और अगर वीडियो अच्छा आए, समझ में आए या फिर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।